हाँ, तो देखो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आज हम लोग देखो बात करेंगे कि अपने जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में जो अपना मार्क्स को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, कुछ चीजें देखो टीचर पे डिपेंड होती है, ठीक है, वो टीचर करता है। एंड बट बहुत सारी चीजें क्या होती है, आपको खुद से बहुत चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, और वहीं यहाँ पे हम लोग चीजें समझते हैं। एक्चुअली क्या है, देखो जनरली ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ नोट्स मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है और आप सबने वो सब खरीदा है। ठीक है, बट अगर सिर्फ आप वो नोट्स को पढ़ के जाओगे, ठीक है, तो आपके मैक्सिमम 240 से लेकर 250 मैक्स, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकते। ठीक है, नोट्स किसी भी कोचिंग के आपको इतने ही पहुंचा सकते हैं। ठीक है, बट इफ यू वॉन्ट टू स्कोर मोर देन 300+, तो यहाँ पे ये जो 50 नंबर के लिए फाइट माननी पड़ती है ना, ये फाइट बहुत ज्यादा तगड़ी होती है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। एंड इसी फाइट को अब हम सीखेंगे। एंड ये फाइट स्टूडेंट खुद मारता है। ठीक है, ये फाइट कभी भी टीचर पे डिपेंड नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये फाइट इज समथिंग की हर बंदे की अलग होती है। ठीक है, हर बंदे की अलग होती है। एंड इसको हम समझेंगे। एंड इसी चीज को मैं कहता हूं वैल्यू एडिशन। ठीक है, वैल्यू एडिशन कैसे करें, ठीक है, इसको यहां पे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। एंड दैट इज वेयर दिस मेंटरशिप प्रोग्राम विल हेल्प यू कि कैसे हम इस चीज को वैल्यू एडिशन कर सके। ठीक है, याद है मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि आई विल बी डिस्कसिंग विद यू एंड आई विल बी टेलिंग यू कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा सोर्सेस को जो फॉलो करना है उसको डिलीजेंटली कैसे फॉलो करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे एक चीज को पहली बात समझो, आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को पहली बात अच्छे से समझना है। ठीक है, सिलेबस को यहाँ पे अच्छे से समझना है। और रफली अगर हम बात करें तो हम इतना सिलेबस अपना जानते हैं कि सर पेपर दो है, दो पहला है पेपर 1A, ठीक है, 1B, और दूसरा है पेपर 2A एंड 2B। ठीक है, अब 1A में क्या है, अधिकतर हमारा स्टैटिक पोर्शन आता है। ठीक है, जो आपका अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, आपकी आइडियोलॉजीज, डेमोक्रेसी, इनकी थ्योरीज आती है। बट इनमें भी कभी कभी क्या होता है, करंट एडिशन ऐड करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जैसे डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी पेपर 1A का पार्ट है, राइट, ठीक है, बट 1A का जो पार्ट है, बट वहां पे आपको करंट अफेयर्स ऐड करने का स्कोप बनता है। ठीक है, सिमिलरली 1B आता है। अब 1B आपका पूरा का पूरा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, आपका कमिटी सिस्टम, NHRC, स्टैट्यूटरी बॉडी, कैग, EC, ये सारी चीजें। बट यहाँ पे भी आपके पास काफी ज्यादा स्कोप है टू एड ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अफेयर का रोल बढ़ता है। 2A में IR की थ्योरीज है, ठीक है, IR की थ्योरीज है। ठीक है, प्लीज गाइज आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है, सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, IR की थ्योरीज है, तो IR की थ्योरीज में भी आप कह सकते हो यहाँ पे काफी हद तक हम करंट अफेयर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड 2B दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा ही आपका करंट अफेयर्स है, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन भी आ रहे हैं वो अभी रीसेंट टाइम्स के ही आ रहे हैं। ठीक है, रीसेंट क्या हुआ है, ठीक है, रिसेंटली इस कंटेक्स्ट में क्या हुआ है, तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप एक चीज देख रहे हो, करंट अफेयर्स का रोल पेपर 1A में थोड़ा कम है, बट 1B में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, 2A में भी बढ़ चुका है एंड 2B में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो और यही चीज क्या है, यही चीज आप कह सकते हो एक्स्ट्रा, जो मैं आपको कह रहा था पुश होती है, ठीक है, वो आपको यहां से पता चलती है, जो आपके 50 और कई बार इनफैक्ट 100 मार्क्स तक बढ़ा सकती है। एक बंदा 250 पे रह जाएगा और एक बंदा 330 तक मार सकता है PSIR में, वो रीजन ही यही है कि भाई उसने कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा माइल वॉक करा है। ठीक है, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो वही चीज है, सेम स्टैटिक स्टैटिक चीजें पढ़ोगे, सेम पर्टिकुलर नोट्स को रिवाइज करते रह जाओगे, तो आप कभी भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। तो ये बात पहली बात यहां तक आई होप आप सबको क्लियर आ रही होगी कि कैसे क्या हमें क्यों करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें ये एक्स्ट्रा माइल जो वॉक करना है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो जो एक्स्ट्रा सोर्सेज अपने को ऐड करना है, एक्स्ट्रा सोर्सेज ऐड करने के लिए आपको दो इस वेबसाइट को स्पेशली देखना चाहिए। वन इज द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो आप यहाँ पे ORF देख सकते हो, ठीक है, एंड द सेकेंड इज द यू कैन से कूटनीति। ठीक है, कूटनीति वेबसाइट को अगर आप सिर्फ यहाँ लिखोगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा कूटनीति में, अगर आप नीचे देखोगे, ठीक है, तो ये आपको कूटनीति.in, ठीक है, IR की है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। दिस इज द वेबसाइट आई थिंक विच यू ऑल कैन सी। और ORF को क्लिक करोगे, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये एक थिंक टैंक है, ठीक है, तो इसके भी अगर आप खोलोगे तो आपको काफी हद तक काफी अच्छा यहाँ पे आपको दिखाई, दिस इज द कूटनीति, अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का आपको दिखाई देता है। ठीक है, ईरान इन्फ्लुएंस द चाइनीज डैम ऑन ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अब देखो इसी बार का क्वेश्चन पूछा गया है डैम डिप्लोमेसी पे।
इसी बार पेपर में डैम डिप्लोमेसी का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अगर आप ये पढ़ते, डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको काफी हद तक यहाँ पे मिलता कि देखो जो चाइनीज डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर पोजेज अ बिग चैलेंज टू द लाइव्स एंड वाटर सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। तो इसको अगर आप डेफिनेटली इस आर्टिकल को पढ़ते, ठीक है, तो आपको काफी हद तक काफी एक डीप इंसाइट्स मिलते और यहाँ पे आपको और चीजें समझ में आता। तो ये चीज समझ में आई। पहली चीज, कौन सी दो वेबसाइट पे अपनी नजर होनी चाहिए? पहली है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, ये रही, ठीक है। एंड दूसरी है आपकी जो जो ये है कूटनीति, ठीक है, कूटनीति.इन, ये दो को आपको फॉलो करना है। मैं भी इन दो को फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इसको करना क्या है, इसको करना कैसे है। इफ यू ऑल कैन सी, तो ये मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, आप इस टाइप से एक फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यू कैन डिवाइड द सेक्शन, ठीक है, चार भाग में आप इस सेक्शन को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द पेपर वन ए, ठीक है, दिस इज पेपर वन बी, ठीक है, दिस इज पेपर टू ए एंड दिस इज पेपर टू बी। चार आपने फोल्डर बना लिए, अगर मोबाइल फोन से तो मोबाइल फोन से ही बन जाते, ठीक है। अब जैसे पेपर नंबर टू बी है, ठीक है, अब पेपर नंबर टू बी में ज्यादा करंट अफेयर्स जनरली आते हैं, तो उसमें क्या है, जो 8 टॉपिक सिलेबस के हैं उसको आप हर एक में एक फोल्डर बना लो। जैसे अगर ये मेरा सिलेबस का फोल्डर है, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो वर्ड फाइल आएगी तो ये देखो इसमें 8 टॉपिक आते हैं। कौन से हैं? पहला इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, पहला आएगा आपके पास इंडियन फॉरेन पॉलिसी, दूसरा आएगा इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नैम, ठीक है, तीसरा आएगा इंडिया इन द साउथ एशिया, चौथा आएगा आपके पास इंडिया इन द ग्लोबल साउथ, पांचवा आएगा इंडिया इन द ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर जिसमें यूएसए, ईयू, जापान, चाइना, रशिया, ठीक है, उसके आएगा छठा इंडिया इन द यूएन सिस्टम, ठीक है, सातवा आएगा इंडिया इन द न्यूक्लियर ओशन, ठीक है। तो ये 8 टॉपिक आपके पास 8 फोल्डर में, इसको एज इट इज क्या कर सकते हो, आप लोग इसे छाप सकते हो, ठीक है। ये देखो अब ये आपने छाप दिया, ठीक है, देखो इंडिया इन द फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नैम, साउथ एशिया, ग्लोबल साउथ, और ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जब भी लेटर से आपने ORF पढ़ा, ठीक है, ORF के आर्टिकल्स को आपने पढ़ना स्टार्ट करा, लेटर से ये रहा आपका ORF, लेटर से इसको अब ब्राउज करते हैं, ठीक है। अब ORF का आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो देखो यहीं पे आ गया, व्हेन लिबरलिज्म ग्रोज अप। अब देखो लिबरलिज्म का टॉपिक पेपर वन ए का है, तो यस थोड़ा सा ये आर्टिकल को देखा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आओ कॉन्टेम्पोराइजिंग डेटा प्रोटेक्शन, ये डेटा प्रोटेक्शन अपने का नहीं है, अभी हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्चिंग फॉरवर्ड टुगेदर बांग्लादेश कंटेंजेंट, तो इंडिया बांग्लादेश से रिलेटेड है, तो ये डेफिनेटली देखा जा सकता है। मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, ये आपका हटाओ, वेस्ट एशिया का अभी नहीं देख रहे, ठीक है। उसके बाद देखो बाइडन सी ईस्ट एशिया चैलेंज हमारे बस का नहीं है, क्योंकि यूएस की फॉरेन पॉलिसी, देखो टॉपिक भी बता देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाइडन एडमिनिस्ट्रेटिव इनहेरिटेंस थोड़ा सा ये वो वाला है, मतलब जो बाइडन तालिबान, अभी अभी उतना डीप मत देखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो और रीसेट फॉर इंडिया नेपाल रिलेशन, देखो नेबरहुड एंड ये इंपॉर्टेंट है, दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली बात हो गई, कुछ ना कुछ तो अपने को मिलेगा क्योंकि इंडिया नेपाल का है और इंडिया नेपाल हम जानते हैं हमारे सिलेबस का पार्ट है, अभी हमने देखा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इकोनॉमिक सर्वे 2021 अभी हटा दो, ठीक है। यूएस नीड्स अ फेडरल डेटा प्रोटेक्शन, हटाओ, यूएस के बारे में छोड़ो, ठीक है। और रेस फॉर पावर हटाओ, ये छोड़ो, जो जर्मनी है, ठीक है, एंजेलिना मर्कल, उन सबका हटाओ हटाओ, ये कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद जीडीपी ऑप्टिमिज्म हटाओ, ठीक है। अभी एक आर्टिकल आने वाला है, अच्छा मैं कल ही देख रहा था, और वो आर्टिकल रहा कहाँ गया, वो हर्षवी पंत का, ठीक है, COVID-19 एंड द सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन हटाओ, बाइडन ट्राई फॉर COVID-19 लॉफ्टी इकोनॉमी, यार उसका देख, हर्षवी पंत का आर्टिकल था, ठीक है, ऑन इंडियाज एंड द यूएन, ठीक है, इंडिया एंड द यूएन पे भी आजकल में आर्टिकल आया था, आई डोंट नो वेर इट वेन, ठीक है, बट वो आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ से सेलेक्टिवली आर्टिकल्स को रीड करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहली चीज को याद रखो, सेम चीज है, इफ आई शो यू द कूटनीति वेबसाइट, अगर आप कूटनीति वेबसाइट पे जाओगे तो देखो ये हमने चाइना का डैम डिप्लोमेसी वाला पढ़ा, ठीक है, ये डेफिनेटली अच्छा आर्टिकल होगा। देन उसके बाद आप ये कर सकते हो, नीचे और आओगे थी म्यांमार में मिलिट्री कूप है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ईरान का इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, अब देखो ये वेस्ट एशिया का पार्ट है, अगर आप सिलेबस देखोगे, इफ यू गो टू द सिलेबस, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप सिलेबस देखोगे तो वेस्ट एशिया में रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द वेस्ट एशिया अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ इराक, वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, यूएस, इसराइल, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो देखा जा सकता है, समझो। यानी मेरा ये कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि आपको सिलेबस के हिसाब से आपको यहाँ पे आर्टिकल्स को पिक करना है। इफ यू कैन सी, ये रहा आर्टिकल, इंडियाज यूएनएससी मूवमेंट, ए मूवमेंट, ठीक है, हर्षवी पंत का आर्टिकल है, ठीक है, इंडिया का यूएनएससी मूवमेंट, आप इस पे डेफिनेटली क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूएनएससी अपना, अभी हमने पढ़ा है इंडियाज रोल, इंडियाज डिमांड फॉर द यूएनएससी रिफॉर्म्स एंड इंडिया डिमांड फॉर द यूएन परमानेंट सीट, बार बार प्रीवियस क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब देखो ये आप एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब इसमें भी क्या चीज जनरली इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इस पे आपको यहाँ पे नजर होनी चाहिए,
ठीक है, अब क्या होगी नजर, क्या चीज पे इंपॉर्टेंट होगी नजर, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। हाँ, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अब इस पे मेरा पेन भी चलेगा, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अब मेरा पेन भी चल रहा है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चीज पे नजर होनी चाहिए, इस पे यहाँ पे ध्यान रखो। देखो हमेशा देखो, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बताया है कि भाई अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक देख रखी है, उठा रखी है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पता होंगे किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, स्पेशली पेपर नंबर 2। देखो पेपर नंबर 2 में क्या है ना, पेपर नंबर 2 इज वेरी वेरी ओपन एंडेड, ये बहुत ज्यादा ओपन एंडेड होता है। तो इसके क्वेश्चन अगर आप ज्यादा नहीं भी पढ़ो, मतलब स्टैटिक सोर्सेस को, एंड आप डायरेक्टली करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो आप यहाँ से काफी हद तक उठा सकते हो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करो, टाइम जब भी मिले तो जस्ट हैव अ लुक एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, अगर आप इस पे नजर रखे रहोगे काफी हद तक, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा वाइल लुकिंग एट दीज आर्टिकल्स, कि अपने को देखना क्या है। बट मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे बेसिकली देखना क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जनरली जो आपको देखना होता है, वो देखना होता है जनरली यू हैव टू लुक एट 3 पार्ट्स। वन इज द इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन को समझना होता है कि कैसे एक आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे एक आंसर को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखना होता है, चलो बॉडी, बॉडी तो ये डिपेंड करेगी क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और फिर होगा उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि कंक्लूजन पे नजर होनी चाहिए। अब बॉडी तो चलो देखो यार, आंसर की हमें वहां पे क्वेश्चन को देख के बनानी पड़ेगी कि हाँ भाई वाई पूछा है, ठीक है, तो वाई का आंसर अलग होगा। वेन पूछा है तो वेन का आंसर अलग होगा। ठीक है, अब लेट्स से व्हाट पूछा है तो व्हाट का आंसर अलग होगा। ठीक है, तो वाई वेन व्हाट, ये तो भाई क्वेश्चन एग्जामिनर के हाथ में है। ठीक है, बट इंट्रो एंड कंक्लूजन ये आपके हाथ में होता है। तो यहां से आपको क्या समझना पड़ता है, यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज को समझना है कि हाउ कैन वी पिक गुड इंट्रोडक्शन फ्रॉम दिस। ठीक है, प्लस यहां से आपको थोड़ा बहुत डेटा, थोड़ा बहुत फैक्ट्स, इस टाइप की चीजों को भी स्पेसिफिकली उठाना होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं क्या करूंगा, मैं अभी आपको एक और आर्टिकल करता हूँ, एक और आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, एंड उसके उसका मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे हम उस आर्टिकल से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ले सकते हैं। ठीक है, एंड हाउ कैन वी राइट, मतलब सर्टेन कुछ कुछ कंटेंट हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस, एक एक आर्टिकल को उठाते हैं। ठीक है, एंड लेट अस डिस्कस द इंडिया नेपाल। ठीक है, इंडिया नेपाल वाला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एंड उसको हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे। तो लेट अस सी द आर्टिकल ऑफ इंडिया नेपाल। ओके, सो दिस इज द आर्टिकल, दिस इज द आर्टिकल अ रीसेट फॉर इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग खोलते हैं, एंड इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड अब देखो, पहली नजर में क्या होता है, जब भी आर्टिकल आता है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे ना सीधे जंप मार देते हैं, सीधे जंप मार के क्या करते हैं, रीसेट ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, और ये पढ़ते हैं पूरा सिंस द टाइम मेमोरियल ये सब। भाई सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आर्टिकल की होती है, हर एक आर्टिकल की, अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वो ये लाइन होती है, वो ये लाइन होती है। ठीक है, और यही लाइन 99% टाइम्स आपको नोट्स में लिखनी ही है। ठीक है, अब देखो इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स इस लाइन में लिखा है, क्या है, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज द सीक्रेट टू रीसेट द रिलेशंस बिटवीन द नेबर्स। अब खुद दिमाग लगाओ, कांट दिस बी द कंक्लूजन ऑफ आवर इंडिया नेपाल आंसर, बताओ क्या ये हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, ये मैं पेपर 2A में आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। यही चीज होती है इंटरडिपेंडेंस, एक थ्योरी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की, विच सेज कि दो कंट्री को क्या करना चाहिए, इकोनॉमिकली ट्रेड एक्सेट्रा ज्यादा करना चाहिए, अपने आप को एक दूसरे की इकोनॉमीज का पार्ट बनाना चाहिए, सो दैट दोनों कंट्रीज क्या कर सके, अवॉइड कर सके कोई भी क्लैशेस। ठीक है, अब सपोज करो बी के स्टेक्स ए की इकोनॉमी में, ए के स्टेक्स बी की इकोनॉमी में, तो ए विल नॉट अटैक बी, बी विल नॉट अटैक ए, क्यों, क्योंकि भाई दोनों की इकोनॉमीज क्या है, अब इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इट टॉक्स अबाउट ट्रेड, इट टॉक्स अबाउट ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, रिलेशंस को हमें और इंटरट्वाइन करना चाहिए। ठीक है, समझो, तो आज के जमाने में क्या है, इंटरडिपेंडेंस का जमाना आ गया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात चलती है। ठीक है, सिंपली इट मींस, जैसे ये थ्योरी की एक लाइन है कि इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है, इन टुडेज कॉम्प्लेक्सली इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, ए इज फोर्स्ड टू लव बी, ठीक है, हुम अदरवाइज ए वुड लव टू हेट। समझो, मैं आपको हेट करना चाहता हूं, बट क्या करें भाई, दाल नहीं गलनी, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी आपसे प्यार करना पड़ रहा है। सेम चीज गोज फॉर यू, यू हेट मी, अगर तुमसे जनरली छोड़ दिया जाए तो तुम मुझे मार दोगे, बट तुम नहीं मारोगे, क्यों, क्योंकि हम दोनों की इकोनॉमी इतनी ज्यादा इंटरट्वाइंड है।
ठीक है, तो ये चीज आप एक वे फॉरवर्ड की तरह किसी भी आंसर में कर सकते हो। तो इमेजिन करो कोई बंदा आर्टिकल नहीं भी पढ़ता, स्टिल अगर उसने ये लाइन यहां से उठा ली होती और ये लाइन जाके सिंपल छाप दी होती अपने नोट्स में, तो वो डेफिनेटली डेफिनेटली एक इस पर्टिकुलर आंसर में आपसे एक एक्स्ट्रा मार्क मार सकता था। सो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होना चाहिए? अल्टीमेटली हमारा गोल ये होना चाहिए, सर चीजें समझ में आए या ना आए अपने को ये बताओ, आंसर अपने को अच्छा लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल बी जज्ड अपॉन द आंसर्स। ठीक है, अगर आपने आंसर बहुत ही अच्छा लिख दिया भाई कोई फर्क नहीं होता, तू रट के आया है समझ के आया है डजेंट मैटर, ठीक है, या तुमने चीटिंग करी है ये भी मैटर नहीं करता, ठीक है, बट इफ यू हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट यू कैनॉट रिप्रोड्यूस इट इन द एग्जाम, तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, तो हमेशा गोल किस पे होना चाहिए? हमेशा एंड गोल अपने माइंड में हमेशा बैक ऑफ द माइंड कैसे रहना चाहिए कि भाई 150 नंबर ही लिखने हैं, 150 वर्ड्स लिखने हैं, 250 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, 300 वर्ड्स लिखने हैं। तीन ही कैटेगरी में पूछे जाते हैं यूपीएससी के सवाल, ठीक है, पहले होता था 600-600 नंबर का, अब नहीं लिखना, तो अल्टीमेटली अपने दिमाग में बस 150, 250 और 300 यही चलना चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आप इस क्वेश्चन इसको इस आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली इसमें 500-700 वर्ड्स तो होते ही हैं। ठीक है, बट ये आर्टिकल आपके पर्पज से थोड़ी ना लिखे, इनको तो भाई इंटरनेशनल रिलेशन में अपना जलवा दिखाना है, इसलिए ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे समझो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं इसको थोड़ा सा कैसे इसको बना सकते हैं। तो पहली बात देखो, इंडिया नेपाल पे आया तो पहले तुम्हें क्या करना है, पहले वही वहीं पे जाना है, वो वाला जो फोल्डर याद करो हमने जो फोल्डर बनाया है, ठीक है, 2B का, 2B का पार्ट है और इंडिया एंड द नेबरहुड का पार्ट है, इंडिया एंड द साउथ एशिया का पार्ट है, तो इंडिया एंड साउथ एशिया में जाएंगे एंड इंडिया एंड द नेपाल पे एक न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और उसको वहां पे खोल देंगे। ठीक है, सिंपली इंडिया नेपाल को यहां से खोल देंगे। ठीक है, अब ये देखो मैंने ये ऑलरेडी करके रखा है आपके लिए ताकि यहां हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बट स्टिल मैं आपको ये करके दिखाता हूं कि कैसे ये चीज पॉसिबल होती है। ठीक है, एंड इसको हम कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल को पढ़ते हैं तो हमें खुद समझ में आ जाएगा एंड क्या बोलते हैं पता चल जाएगा क्या चीज उठानी है। अब देखो एक चीज में मैं आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं, वो क्या है कि भाई मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत बार देख चुका हूं तो मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है क्या चीज उठानी है। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन है? बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, आई एम लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेरा मकसद ये है बस, और उसी टाइप के इर्द गिर्द टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे वो क्वेश्चंस बनाने चाहिए बस, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं देखनी। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया एक अच्छा आंसर का इंट्रो एंड कंक्लूजन फिक्स्ड होता है। ठीक है, सो आई एम लुकिंग फॉर इंट्रोडक्शन, आई एम लुकिंग फॉर कंक्लूजंस, आई एम लुकिंग फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर सर्टेन गुड वोकैबुलरी। मैं यहाँ पे वोकैबुलरी कुछ अच्छे शब्द जिससे मैं एग्जामिनर के सामने स्टाइल मार सकूं, ठीक है, और ताकि उसे लगे कि यस आई हैव अ कमांड। देखो हर एक ऑप्शनल का क्या होता है, हर एक ऑप्शनल की एक अपनी वोकैबुलरी होती है, अगर आप उस वोकैबुलरी को नहीं समझते हो आप सिंपली आंसर्स लिख देते हो तो फिर वो एक जनरल स्टडीज का आंसर हो जाता है। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर GS2 का आंसर और ऑप्शनल का आंसर कैसे अलग होता है, मेरे भाई यही होता है, ऑप्शनल में सीधी चीज को भी तुम्हें टफ तरीके से लिखना है। ठीक है, जीएस में टफ चीज को तुम्हें सीधे तरीके से लिखना है। क्या बोला मैंने, ऑप्शनल में सिंपल कॉन्सेप्ट को तुम्हें टफ वे में लिखना आना चाहिए। ठीक है, और जीएस में टफ कॉन्सेप्ट को तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब अगर यही क्वेश्चन अगर जीएस में पूछ लिया गया और तुमने वही थ्योरीज ऑफ आईआर और वो सब लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो एग्जामिनर चिढ़ जाएगा, एंड जब एग्जामिनर चिढ़ जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, वो तुम्हारे मार्क्स काटेगा। सेम चीज गोज फॉर ऑप्शनल, अगर ऑप्शनल में आपने बहुत ही एक जीएस पॉइंट ऑफ आंसर लिख दिया तो एग्जामिनर चिढ़ जाएगा, एग्जामिनर चिढ़ जाएगा तो वो तुम्हारा गुस्सा और आंसर्स में भी तुम पे निकालेगा। सो अल्टीमेट एम ऑफ आवर इज टू मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन एग्जामिनर, टेल हिम दैट यस वी नो। ठीक है, टेल हिम थ्रू राइटिंग, तो पहली बात तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं एंड थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तब और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपली अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, अब मकसद क्या है, माइंड में यही चीज सेट है। ठीक है, कि अपने को सिर्फ कुछ ही वर्ड्स लिखने हैं, तो कहीं पे अगर कुछ चीज समझ में ना आए तो उसे हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि दिस आर्टिकल इज नॉट द सिलेबस। ठीक है, अब इंडिया नेपाल के अगर मैं आपको सिर्फ एक इंडिया नेपाल के मैं रिलेशन पे क्लिक करूंगा अभी बैक करके दिखाऊंगा तो हजारों आर्टिकल आ जाएंगे। ठीक है, अगर हर आर्टिकल से एक वर्ड भी उठा लो तो 1000 वर्ड्स तो ही हो गए। ठीक है, बट अपने को क्या है, अपने को लिमिट रखना है। ठीक है, तो ये चीज पढ़ते हैं, तो चलो पढ़ते हैं। ठीक है, मेरे साथ सब पढ़ेंगे, सिंस टाइम इमोरियल पीपल टू, और जल्दी रीड करना है। ठीक है, अब ये नहीं है अभी एक आर्टिकल लेके बैठ गए और आराम आराम से पढ़ रहे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से नॉर्मल रीड करता हूँ, मेरे साथ सब रीड करेंगे। ठीक है, सिंस टाइम इमोरियल पीपल टू पीपल रिलेशन बिटवीन इंडिया नेपाल इंडिया हैव रिमेन्ड यूनिक मेनली बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ट्विन पिलर।
ठीक है, हाँ क्या ट्विन पिलर है बताओ? ओपन बॉर्डर सिस्टम, ठीक है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स ऑफ किनशिप, ठीक है ठीक है, अपने ओपन टू ओपन बॉर्डर है, इसकी वजह से चल लीजिए आगे बढ़ो, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ओपन बॉर्डर सिस्टम द सिटीजन कंट्री क्रॉस ओवर नेपाल इंडिया बॉर्डर फॉर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है, फैमिलियर टाइज है, कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब ये देखो ये वर्ड्स आपके आ गए, हर जगह आपको लिखना है। अब इंडिया नेपाल भी आ जाएगा, इंडिया म्यांमार भी आ जाएगा, ठीक है, तो वी हैव कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, ये एस्पेक्ट आपको हमेशा अपने माइंड में बैठा के रखना है, ठीक है, देखना ऐसे वर्ड्स के साथ खेलेंगे अभी, ठीक है, एंड इवन पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। फिर ये देखो, ऑलमोस्ट ओवर 80% ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इज इंटीग्रेट द पीपल, ठीक है, 80% दोनों कंट्री में हिंदू है, ठीक है, समझ गया, ठीक है। फिर देखो, गिवन हिज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी हमारे पार्ट है हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, और यूपीएससी के सिलेबस में भी दिया हुआ है, ठीक है। सो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के हिसाब से इंपॉर्टेंस नेपाल का बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, ऑल्सो इट हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, क्यों स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन है? क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू चाइना, ठीक है, तो इट इज वेरी क्लोज टू चाइना, समझो। और ये चीज रिफ्लेक्ट भी करती है दैट नरेंद्र मोदी विजिटेड नेपाल 4 टाइम्स ड्यूरिंग हिज 6 ईयर्स, ठीक है, 6 साल में अभी तक 4-5 बार ये आ चुके, ठीक है। अब यहां से देखो, ये चीज जब आपने पढ़ी तो अभी आर्टिकल में क्या चीज लिखनी है इस चीज को समझो, ठीक है। तो अगर मैं जाऊं सीधे, इफ आई ओपन द आर्टिकल, ठीक है, ये रहा इंडिया नेपाल का, ठीक है, तो पहले थोड़ा सा यहां पे देखो और पढ़ लेते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि और चीजें हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका इंट्रोडक्शन, इसका जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंडिया नेपाल का, ठीक है, वो हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, ठीक है। बॉडी में कुछ डेटा वेटा जो मैंने ये लिखा है वो लिखना है, एंड वे फॉरवर्ड में हमें लिखना है। तो थोड़ा सा और आर्टिकल पढ़ते हैं तो और चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हाउ एवर ऑल इज नॉट वेल बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है, और अभी क्या हुआ है, अभी अभी जो नेपाल ने क्या करा था, आप सबको पता होगा कि मैप रिलीज कर दिए थे, और वो 2020 का यूपीएससी का क्वेश्चन भी था, ठीक है, तो ये चीज आपको पता ही होगी, ठीक है, इसी चीज की बात करी गई है, ठीक है। उसके बाद मोदी जी ने उन सबसे बात बात करी, हटाओ इस सबको, स्किप करो, ठीक है। अब ये देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन नेपाल एंड इंडिया एटलीस्ट ऑन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, ठीक है, तो ये चीज यहां से ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि सिर्फ पीपल टू पीपल टाइज होने से कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और जबकि अब यहीं पे देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप उल्टे हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज तो है बट पीपल टू पीपल टाइज नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ एनी पाकिस्तानी, ठीक है, आपके मन में भी वही बात आई होगी जो मेरे मन में आई है, ठीक है, अब बस कुछ आगे बोलेंगे नहीं, ठीक है। सेम चीज गो फॉर इंडियंस, अगर आप पूछोगे कि इंडियंस के बारे में वहां क्या सुनते हैं, तो वही बात जो मेरे मन में आई है वही उनके मन में आई है, ठीक है, तो अब ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। फिर कॉन्सिक्वेंटली द एयर सर्विस वॉज स्टॉप्ड एंड एक्सेट्रा बता रहा है, बट अब देखो ये देखो, एंड रिसेंटली सिक्स मीटिंग ऑफ द नेपाल इंडिया ज्वाइंट कमीशन टुक प्लेस ऑन ये, अब ये करंट डेवलपमेंट है, बिल्कुल अभी ताजा ताजा लास्ट 15 दिन पहले ही हुआ है, ठीक है। एंड इसमें क्या हुआ, कोविड वैक्सीन की बात चली, ठीक है, कनेक्टिविटी की, इकोनॉमिक कॉपरेशन की, ट्रेड, ट्रांसिट, पावर, वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, कल्चर, इन सब पे बात हो, ठीक है। अब ये थोड़ा ज्वाइंट कमीशन का के बारे में बता रहा है, तो इसका थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है, ज्वाइंट कमीशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि कभी भी आंसर लिखने को आएगा तो आई कैन कोट समथिंग अबाउट ज्वाइंट कमीशन, कि हाँ यार ज्वाइंट कमीशन के प्लेटफॉर्म को और अच्छा करना चाहिए इस टाइप का। तो देखो पढ़ो, सेटअप इन 1987 द ज्वाइंट कमीशन विच इज नाउ को चेयर्ड बाय बोथ द एमईए, ठीक है, दोनों एमईए चेयर करते हैं, इट हैपेंस टू बी द हाईएस्ट लेवल मैकेनिज्म बिटवीन द टू कंट्रीज टू डिस्कस द बायलेटरल इशू। अब ये चीज तुम्हें फट से नोट्स में आनी चाहिए कि हाँ इंडिया नेपाल के बीच में हाईएस्ट रिलेशन का क्या है, ज्वाइंट कमीशन, जिसकी सिक्स मीटिंग हुई है, ठीक है। तो अब देखो आंसर को स्टार्ट करने में, आंसर को स्टार्ट करने में तीन तरीके से स्टार्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर आंसर, समझो, या तो मैं इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर दूं, ठीक है, या तो मैं इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन दे दूं, ठीक है, या तो मैं उस कॉन्सेप्ट का कुछ डेटा और ऑल्सो कॉल्ड एज करंट अफेयर बता दूं। तो अगर अगर अभी इंडिया नेपाल पे सपोज करो क्वेश्चन आया होता, ठीक है, अब आज के जमाने में आए, तो आई कुड हैव स्टार्टेड ऑफ विद डेट, डिफाइन तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है, डिफाइन अगर मैं करना चाहूं तो वही बात बता सकता हूं जो मैंने आर्टिकल के शुरू में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि भाई सिंस टाइम इमोरियल, ठीक है, इंडिया नेपाल पीपल टू पीपल रिलेशनशिप आर वेरी गुड, ठीक है, वी आर टाइड बाय द यू कैन से कल्चरल हिस्ट्री, ठीक है, ये सब हम लिख सकते हैं, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक हमारे टाइज है, इन सब चीजों की बात करा जा सकती है, ठीक है, इस तरीके से बात कर सकते हैं, ये तो डिफाइन कर दिया। अगर मैं ये नहीं बता पाऊं तो मैं क्या करूं? तो भाई तुम कुछ क्या करो, तुम यू कैन टेल द ओरिजिन, तो ओरिजिन ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशन बता दो कि हाँ भाई हमारे रिलेशनशिप बहुत हिस्टोरिकल है, ठीक है, आपके रामायण महाभारत है, बहुत सारे लिंक्ड है, ठीक है, ये बता सकते हो, सेंचुरीज ओल्ड है, ठीक है, बता सकते हो, नहीं तो कुछ करंट अफेयर्स बता सकते हो, एंड यू कुड हैव स्टार्टेड ऑफ विद रिसेंटली द सिक्स मीटिंग ऑफ द हाईएस्ट, सिक्स मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट कमीशन विच इज द हाईएस्ट बॉडी
टू बायलैटरली नेगोशिएट बिटवीन इंडिया नेपाल टुक प्लेस रिसेंटली, इस टाइप से आप बता सकते हो, एंड इन दिस कंटेक्स्ट देन यू कुड हैव स्टार्टेड ऑफ द आंसर। ठीक है, तो यहां से बेसिकली अपने को इस टाइप से उठाना होता है, या तो कुछ चीज जो हमें उस चीज को डिफाइन कर रही है, ठीक है, या तो कुछ चीज वो चीज ओरिजिन बता रही है, या तो कुछ चीज कुछ डेटा वेटा अपने को मिल रहा है, इस पे नजर होनी चाहिए। और अब देखो जो डेटा लिखना है वो भी कैसे लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, पूरा पूरा चीजें नहीं उठानी। ठीक है, इसको यहां पे पहली बार समझो। अब देखो, अब क्यों, क्योंकि देखो जब मैं इसको रिवाइज करूंगा तो रिवाइज मैं सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट को करूंगा, लेट अस लेट मी जस्ट रिवाइज दिस फॉर यू। तो देखो मैं इस आर्टिकल को कैसे फट से रिवाइज करूंगा अगर मुझे एग्जाम से पहले देना होता। ठीक है, सिक्स मीटिंग ऑफ नेपाल इंडिया ज्वाइंट कमीशन, ठीक है, हाईएस्ट लेवल मैकेनिज्म, ठीक है, 1 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन दी है, कोविडशील्ड, ठीक है, वैक्सीन डिप्लोमेसी है, विन ओवर चाइनीज वैक्सीन, मुझे पता है, ठीक है, हेल्थ डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशन, पता चल गया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, ठीक है, विजिटेड नेपाल 4 टाइम्स, मुझे पता है कौन, ठीक है, फिर बीबीआईएन का पार्ट है, ठीक है, बीमस्टेक नाम सार्क, तो यानी मल्टीलेटरलिज्म में कॉपरेशन दिख रहा है, बीबीआईएम बीमस्टेक नाम सार्क, देख रहे हो पॉइंट्स, ठीक है, फिर इंटरडिपेंडेंस बिटवीन नेपाल इंडिया, वही वाला जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, फिर देखो फॉर क्वाइट सम टाइम ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है इंडिया नेपाल के बीच में, और अभी हमने देखा था कि कैसे उन्होंने मैप्स एक्सेट्रा को कार्टोग्राफिकली वो करा था, अग्रेशन दिखाया था, ठीक है, मैप पब्लिश कर दे रहे, ठीक है, और वे फॉरवर्ड देन हमने देख लिया कि द टू कंट्रीज कुड बिल्ड एन इंटरनेशनल कॉरिडोर, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो इतना नेपाल इंडिया बॉर्डर पे होना चाहिए ताकि क्या हो, ग्रेटर मूवमेंट ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स हो, ठीक है, और आप कह सकते हो मोर ट्रेड, वही बात, मोर इंटरडिपेंडेंस, ताकि क्या हो जाए, रीसेट हो सके इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप। ठीक है, और देखो ये वाली लाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, दैट नेपाल हैज द पोटेंशियल ऑफ टिल्टिंग द जियो पोलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ द रीजन एट एनी गिवन टाइम, वाई, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोजनेस टू रिलेशनशिप विद चाइना। तो कभी भी वो क्या कर सकता है, कभी भी क्या कर सकता है, इट कैन एनी डे, इट कैन एनी डे टिल्ट द जियो पॉलिटिक्स ऑफ द रिलेशन ऑफ द रीजन। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इफ यू वॉन्ट, तो जियो पोलिटिकल डायनेमिक्स, इसको आप क्या कर सकते थे, इसको जस्ट हाईलाइट कर दो, ठीक है, जस्ट, ताकि इसको भी आप यहाँ पे कल को जब रिवाइज करो तो इसको यहाँ पे आप नजर डाल सकते थे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इस टाइप से जो आर्टिकल्स है उस पर स्पेसिफिकली नजर रखनी है। ठीक है, स्पेसिफिकली इस टाइप से आपको आर्टिकल्स पे नजर रखनी है। ठीक है, जल्दी ब्राउज दिस वेरी वेरी क्विकली। ठीक है, अब पूरा पूरा आपको नहीं लिखना, ठीक है, अब देखो बीच का मैंने, ठीक है, चीजों को हुआ था, ठीक है, उसके बाद वो सब बता रहा है, इन द फर्स्ट वेव वैक्सीन आर हेल्थ वर्कर्स, ये सब छोड़ो यार, ये सब कहाँ लिखेगा, नाउ जंप ओवर टू द लास्ट पैरा, मेरे 70% जो ये नोट्स हैं ये लास्ट पैरा से बने, अगर तुम लास्ट पैरा को पढ़ो, सिंस नेपाल डिपेंडेंस ऑन इंडिया इज मोर देन इंडिया डिपेंडेंस ऑन नेपाल, इट इज ऑल मोर नेसेसरी टू बैलेंस दिस रिलेशन, टू इंक्रीज इन इंडिया डिपेंडेंस ऑन नेपाल, इट इज नेसेसरी टू प्लेस इंक्रीज इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसको सबसे आगे रखना है, यही चीज इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी भी कह रही है। अब यही अगर तुमने क्या कर दिया, यही अगर पेपर 2A के कॉन्सेप्ट को इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है, एज एज पोर्ट्रेड बाय द कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थ्योरी, ठीक है, बस एक तुमने लग दिया और इसके स्कॉलर लिख दिया, लेट अस से, अब तुमने कोई भी जोसेफ नायर या कोई M2A में पढ़ेंगे तो तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखो 2A की थ्योरीज आपने किसमें मिला दी, 2B के आंसर में, हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, और देखो उसके बाद देखो यहाँ से द टू कंट्रीज कुड ऑल्सो बिल्ड एन इंटरनेशनल कॉरिडोर अलॉन्ग दिस दिस, ठीक है, टू फैसिलिटेट दिस, ठीक है, उसके बाद देखो मल्टीलेटरल फोरम सच एज BBIN भूटान, देखो ये सब है, ये देखा, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते थे। ठीक है, तो ये चीज को स्पेसिफिकली यहाँ पे आप ध्यान रखो, वेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर, अभी जितना समझ में आ रहा है उतना करो, बट ये चीज को करो, ठीक है, डेली अगर आप एक आर्टिकल भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, सिंपल चीज है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे चीजें मिलना लग जाएंगी। ठीक है, यू डोंट नीड टू यू कैन से गो फॉर अ लॉट ऑफ इन डेप्थ। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा आर्टिकल में लिखा गया है, बट अपने काम का नहीं है। ठीक है, अपने काम का नहीं है। ठीक है, ये देखो, देयर इज अ फीलिंग दैट द इंडियन वैक्सीन डिप्लोमेसी गेव अ जोल टू चाइना, तो हाउ कैन इंडिया काउंटर चाइना इन इट्स नेबरहुड, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन आने की आगे चांसेस भी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो थ्रू वैक्सीन डिप्लोमेसी। इवन ये बात चल रही थी पाकिस्तान में ये बात क्या चल रही थी कि चाइनीज वैक्सीन आर 70% इफेक्टिव, इंडिया की वैक्सीन की क्वालिटी ज्यादा है, ठीक है, चाइना का माल तो वैसे बेकार होता है। ठीक है, तो दे आर स्केप्टिक कि भाई अगर हमने वहां से वैक्सीन ले ली और लगा दी तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप चीज ध्यान रखना, एंड इसीलिए चाइना की वैक्सीन को नेपाल ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, एंड नेपाल ने किसको दिया, नेपाल ने इंडिया को, कंसर्न जो नेपाल की देखो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इंडिया को दिया है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर्स को फॉर्मुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है, वैक्सीन डिप्लोमेसी एक आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म मिला है, ठीक है। फिर ये देखो वही वाली लाइन जो मैंने यहाँ से लगाई थी, कंसिडरिंग इंडियाज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर नेपाल, ठीक है, काठमांडू नीड्स टू इनहेंस कल्चरल टाइज, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट विद इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो, समझ लो। तो द पॉइंट इज दिस, सिमिलरली व्हाट इंडिया नीड्स टू डू इज इंडिया नीड्स टू कंप्लीट इट्स प्रोजेक्ट इन नेपाल ऑन टाइम। एक ये प्रॉब्लम भी इंडिया के साथ आती है, इट इज सेड इंडिया प्रोमिसेस बट चाइना डिलीवर्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे करने की जरूरत है। फर्दर आप लिख सकते हो, नेपाल कुड फर्दर अट्रैक्ट इंडियन इन्वेस्टमेंट इन द हाइड्रो पावर सेक्टर। तो हाइड्रो पावर एक सेक्टर में आप यहाँ कॉपरेशन लिख सकते हो, क्योंकि इंडियन हिमालयन जो रिवर सिस्टम है दे आर पेरिनियल इन नेचर, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया जा सकता है, समझो। तो अगर आपने देखा जाए तो काइंड ऑफ हमने इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप को मुद्दा ब्रॉडली ब्रॉडली कवर कर लिया, ठीक है। हर एक आर्टिकल में द बेस्ट अबाउट बेस्ट पार्ट अबाउट ओआरएफ एंड दीज आर्टिकल्स आर, ये लिखते एक ही चीज पे बट देन छोटा छोटा सब दे देते, ठीक है, समझो। अब देखो इन्होंने मैप्स के बारे में बता दिया, काला पानी, लीपोले, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो कि अभी ये दिक्कत आई थी, ठीक है। तो नेपाल इंडिया का जो बॉर्डर है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्चरल सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ बोथ द कंट्रीज, नेपाल एज वेल एज यू कैन से इंडिया। इंडिया के भी बहुत सारे जो लोग हैं वो नेपाल में काम करते हैं, नेपाल के लोग भी इंडिया में काम करते हैं, ठीक है। इंडियन वुमेन आर मैरिड टू नेपाली पर्सन, तो आप ये चीज यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 80% हिंदू पॉपुलेशन है, तो यहाँ कह सकते हो कल्चरल टाइज भी आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये चीज देखी कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे आप इंडिया एंड जो नेपाल है, ठीक है, इसके यहाँ पे रिलेशन के बारे में देख सकते हो, ठीक है। एक आंसर को लिखना है और क्या चीज उठानी है आर्टिकल में, ठीक है, ये चीज यहाँ पे सामने आएगी। एंड हमेशा देखो ऐसे ही एस्से की भी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। सपोज करो इफ यू हैव टू राइट अबाउट द कल्चरल रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स, ठीक है, इस टाइप का कुछ भी आ सकता है। जैसे इस बार ही पिछले साल ही आया था, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, वाटर डिस्प्यूट्स, ठीक है, बिटवीन द नेबर्स, तो क्या लिखोगे। तो इस टाइप से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस टाइम इमोरियल पीपल टू पीपल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हैव रिमेन्ड यूनिक, व्हाई, बिकॉज ट्विन पिलर्स में, पहला ओपन बॉर्डर सिस्टम एंड दूसरा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट ऑफ किनशिप, ठीक है, फैमिली मेंबर्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी चीज को क्या कहते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है, ठीक है। सो ये सब चीज हम पढ़ेंगे बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। सिंपली देखो बॉर्डर मैनेजमेंट इंडिया नेपाल, अब देखो इंडिया नेपाल ये की है। अब अगर इफ यू क्लिक दिस, इफ यू क्लिक इंडिया नेपाल ओवर हियर, तो आपको ना बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। देखो इंडिया नेपाल पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल सकते हैं, यू कैन जस्ट रीड एनी वन यू वॉन्ट, ठीक है। हाउ कोविड-19 इज इम्पैक्टिंग इंडिया एंड नेपाल टाइज, ठीक है, समझो। फिर देखो नेपाल रिन्यूड फोकस ऑन ग्रोथ विद इंडियन असिस्टेंस, तो ये सॉफ्ट पावर पे आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेपाल में कुछ फ्लड्स एक्सेट्रा है, यू कैन जस्ट लोड मोर आर्टिकल्स, ठीक है। इंडियाज कंटिन्यूइंग रोल इन नेपाल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, अगेन इकोनॉमिक एड जो दी गई है, ठीक है। फिर द चैलेंजेस फेसिंग द इंडिया नेपाल टाइज, नाउ इफ यू वांट टू रीड दिस, तो जुलाई 9 का आर्टिकल है, आप इसी में आप यहाँ पे चैलेंजेस के बारे में लिख सकते हो कि क्या चैलेंजेस है इंडिया नेपाल के, ठीक है। अब देखो इस आर्टिकल में देखो यू यू गेट हाउ यू स्टार्ट द आंसर, देखो ये बहुत अच्छा ओपनिंग है। इंडिया नेपाल शेयर डीप सोशल कल्चरल स्ट्रेटेजिक पोलिटिकल इकोनॉमिक टाइज हैव बीन फोर्ज्ड ओवर मेनी सेंचुरीज। अब ये बताओ इंडिया नेपाल का कोई भी क्वेश्चन आता है क्या ये चीज मैं नहीं लिख सकता, बताओ क्या ये चीज मैं नहीं लिख सकता। अब मैं इसको जाऊंगा एंड यहां मैं लिखूंगा इंडिया नेपाल, हटाओ हटाओ हटाओ, एंड ऊपर लिखूंगा मैं क्या, इंडिया नेपाल, ठीक है, और यहां लिख दूंगा इंट्रोडक्शन, इंडिया नेपाल का इंट्रोडक्शन, आओ कंट्रोल फी दबा दिया, खत्म हो गया मेरा इंडिया नेपाल का इंट्रोडक्शन। अब कभी भी ये आएगा मैं हमेशा ये चीज लिखूंगा, ठीक है, उसे हाईलाइट भी कर दो, एंड इफ यू वॉन्ट तो मैं इस चीज को थोड़ा सा वो भी कर दूंगा, बढ़ा भी दूंगा, ठीक है। लो दिस इज डन, इंडिया नेपाल शेयर डीप सोशल कल्चरल स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टाइज दैट हैव बीन फॉर्ज्ड ओवर मेनी सेंचुरीज। अब इस आर्टिकल में अगर आप देखो, दिस दिस फ्रेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्ड टाइज हैव फॉलन इनटू स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, ठीक। तो करंटली अगर इंडिया के रिलेशनशिप एक्सेट्रा के बारे में बताना चाहते हो, जैसे इस बार अभी क्वेश्चन आया था इंडिया नेपाल का, वो यही था कि भाई जो मैप एक्सेट्रा आया है वो क्या है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको आंसर लिखना था, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पहले जो ओल्ड टाइज थे आज ये उतने अच्छे नहीं है, इट हैज फॉलन इनटू अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर। सो सिंपली इसको जाओ जस्ट कॉपी दिस, एंड जस्ट इफ यू वांट टू कॉपी दिस यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन राइट, ठीक है, विच, तो इसी से कंटिन्यू कर दो विच, ठीक है। अब उसी आंसर को मैं अभी फॉर्म कर रहा हूं, यहां देखिए, विच इन रीसेंट टाइम्स, कंट्रोल वी दबा दो, ठीक है, विच इन रीसेंट टाइम्स हैव फॉलन इन टू अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, सिंपल एंड जस्ट बोल्ड इट, समझ लो, समझो। तो
इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से गेट योर इंट्रोडक्शन रेडी, ठीक है। अब कभी भी इंडिया नेपाल का क्वेश्चन आया, आई एम ऑलवेज रेडी विद दिस। इंडिया नेपाल शेयर अ डीप सी पैसे टाइज विच हैव बीन फोर्ज्ड ओवर मेनी सेंचुरीज, बट वो क्वेश्चन था कि इंडिया नेपाल में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो कॉमा लगा कि मैंने क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया कि प्रेजेंट टाइम्स में बट क्या हो गया है, दे हैव बीन फॉलन इनटू अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर। दैट इज हाउ यू प्ले स्मार्ट। क्वेश्चन अगर चैलेंज पे है तो मैं ये लाइन नहीं लिखता, ये लाइन लिखूंगा। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पे तो मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा, आई विल जस्ट राइट द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, समझो। तो ये चीज आपको कौन बताएगा, ये चीज आपको स्पेसिफिकली इन चीजों से, इन आर्टिकल से पता चलती है, ठीक है। ये एक्टिविटी देखो आपको खुद करनी है, ठीक है। डोंट वेट फॉर एनीवन टू डू, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे पेपर टू कैसे करते हैं। इसीलिए मैं अपने जो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में है, इसमें मैंने शुरू में ही पेपर टू पे स्पेसिफिकली ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। अभी हमारा अगर आप देखो तो हॉब्स एक्सेट्रा हो गया है, ठीक है। इतनी इतनी जल्दी हम लोगों ने दो तीन थिंकर्स कर लिए, बट साथ ही साथ अपना ये डेली का डेली एक्टिविटी आप लोग करते जाओ। मैं भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। मैं भी अपलोड करना जल्दी जल्दी स्टार्ट करूंगा, बहुत सारे आर्टिकल्स इनको डिस्कस करूंगा, ठीक है, आपके साथ। जो स्ट्रैटेजी शॉर्ट नोट्स एक्सेट्रा टाइम टू टाइम जो ये मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये अपडेट होके ये आपके साथ शेयर होते जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट कि अगर कुछ कोई मिस कर जाए तो नहीं होगा, डेफिनेटली ये सब भी होगा आपके साथ शेयर। बट अगर आप खुद करोगे, अगर आप खुद करोगे तो देखो क्या होता है ना, आप बिजी रहोगे, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एंड सेकेंडली क्या हो जाएगा, आपको दो चार एक्स्ट्रा चीजें पता चलेंगी जो हो सकता है मैंने स्किप कर दी हो सकता है मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट ना हो, आपके हिसाब से लग रही हो, तो दो तीन चीजें कहीं ना कहीं वो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट को स्पेसिफिकली अपना आप लोग ध्यान रखें, व्हाई यू नीड टू डू इट योर सेल्फ, ठीक है। हमेशा दो तीन एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे जो आप और एसे में, यहाँ इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका अच्छा खासा वो भी मिलेगा, आपको एक एक तरीका भी मिलेगा, ठीक है, हाउ कैन यू राइट द आंसर, ठीक है। सर अब देखो, फॉर नेपाल दिस इज एन एयर ऑफ एक्साइटिंग चेंज, तो ये कभी भी बता सकते हो कि कैसे रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं, ठीक है। न्यू अवेकनिंग्स एस्पिरेशंस दे हैव टेकन रूट्स, समझो। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, कहते हैं ना टुडे नेपाल इंडिया को स्पेशली वॉर्न किया जाता है, कि पहले इंडिया सोचता था कि नेपाल तो अपने पार्ट है, ठीक है, बट आज क्या कहा जाता है कि नेपाल डज नॉट हैव एनी स्केसिटी ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। आज नेपाल के पास बहुत दोस्त है, ठीक है, इवन दो इट्स अ लैंड लॉक कंट्री, बट स्टिल क्योंकि अब इकोनॉमी का नेचर चेंज हो गया है। आज इकोनॉमी इट्स मोर ऑफ डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी, तो डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू हम सब क्यों कनेक्टेड है, वाई आर वी कनेक्टेड। मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम आसाम, मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम केरला, बट हाउ आर वी कनेक्टेड थ्रू डिजिटल मीडियम, ठीक है। तो डिजिट इन दिस डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड नेपाल डज नॉट हैव एनी स्केसिटी ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। आप बता सकते हो कि देखो कैसे आज जो इंडिया के डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, जो हमेशा नेपाली को डायरेक्टली कनेक्ट करते थे, दे हैव बीन सैबोटाज्ड, समझो। अब देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सैबोटाज्ड, अब दैट इज हाउ यू राइट एन आंसर, ठीक है। सर ये सब मत लिखो, द रिलेशनशिप हैड डिक्लाइंड, अगर आप सैबोटाज लिखोगे तो एक अच्छा वर्ड दिखता है, ठीक है। तो ये वोकैबलरी पे स्पेसिफिकली फोकस करो, ठीक है सर। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। मैं आपके साथ और भी बताऊंगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सारे आर्टिकल्स, बट आप अपना भी स्टार्ट यहाँ पे कर दो। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है जी। भाई वेट नहीं करना, ठीक है, टाइम। अब देखो सी सी, अब मैं सीधे जंप करके कंक्लूजन पे आता हूँ, लास्ट पैरा पढ़ो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। सेंचुरीज ऑफ सोशल कल्चर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक टाइज, फिर वही बात, देखो देख रहे हो आर्टिकल लिखने में क्या होता है, ये आर्टिकल वाले ना सिर्फ बनाते हैं, सिर्फ बनाते हैं। देखो इन्होंने ऊपर भी यही लिखा सेम चीज, सोशल इकोनॉमिक कल्चर स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक, और लास्ट में घुमा फिरा के फिर वही बात चेप, ठीक है। तो बेसिकली यही स्किल आपको सीखनी है। तो इन्होंने सोशल कल्चर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इकोनॉमिक ये 20 वर्ड्स तो इन्होंने 20 बार रिपीट कर दिए, ठीक है। अब देखो क्या है एंड, देखो हमेशा एक ये पॉजिटिव नोट पे करते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू एंड, कि अब पहले ऊपर इन्होंने बताया आर्टिकल में कि देखो भाई हमारे टाइज रहे हैं, ठीक है, फिर इन्होंने बताया देखो ये दिक्कतें हैं, और एक अच्छा आंसर क्या होगा, कुछ ना कुछ सजेशन देगा कि इसको मेंड कैसे करें, इसको मेंड कैसे करें। तो इसको मेंड करने के लिए दे आर ऑब्वियसली कमिंग अप कि सेंचुरीज ऑफ सोशल कल्चर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक टाइज कैन ओनली रिमेन स्ट्रॉन्ग इफ दे कैन रिमेन रेलिवेंट टू द चेंजिंग टाइम्स, ठीक है। देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेपाल मस्ट रीसेट द नैरेटिव, मॉडर्नाइज द पॉलिसी एंड गेट आउट ऑफ द वे सो दैट द टाइज बिटवीन पीपल थ्राइव्स अगेन, यानी वही बात कर रहा है, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंस, मोर ट्रेड, ठीक है, इन पे हमें मोर सोशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, ताकि डायरेक्टली नेपाल के लोगों को आप कह सकते हो हम लाइफ चेंज कर सके, ठीक है। तो
तो आप यहाँ पे यू कैन, इफ यू वॉन्ट यू कैन पिक दिस पैरा पूरा का पूरा, एंड यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट गो टू दैट अपना जो ये है, ठीक है, इंडिया नेपाल वाला, ठीक है, यहाँ पे वे फॉरवर्ड के बाद आप एक यहाँ पे एक दूसरा बना दो, ठीक है, कि दिस इज अ कंक्लूजन, लेट अस से, ठीक है, एंड कंक्लूजन में आई इफ आई वॉन्ट आई कैन जस्ट राइट दिस, ठीक है, ठीक है, कि सेंचुरीज ओल्ड हैव चेंज द गवर्नमेंट्स, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑफ इंडिया नेपाल मस्ट रीसेट द नैरेटिव एंड मॉडर्नाइज द पॉलिसीज, ठीक है, तो यहाँ पे रीसेटिंग ऑफ नैरेटिव्स की बात कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे कैन रिमेन रेलिवेंट टू द चेंजिंग टाइम्स, तो द टाइज नीड टू रिमेन रेलिवेंट, तो यहाँ आप इन सब चीजों की यहाँ पे बात कर सकते हो, जस्ट लेट मी बोल्ड दिस, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कंक्लूजन की बात कर सकते हो, कभी भी इंडिया नेपाल का रिलेशनशिप आए, यू कैन राइट कि भाई सेंचुरीज ऑफ सोशल कल्चर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक टाइज कैन ओनली रिमेन स्ट्रॉन्ग इफ दे रिमेन रेलिवेंट टू द चेंजिंग टाइम, टाइम कम है भाई, एग्जामिनर कॉपी छीनने आ रहा है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 सेकंड है, ये लाइन लिख दो, लिख के भाग जाओ, ठीक है, तो अपना आंसर भी कंक्लूडिंग नोट पे हो जाएगा। सो आई होप आप लोग ये चीज करना स्टार्ट करेंगे अभी से ही, और मैं भी अब से डेली डेली आप लोग के लिए अपलोड करूंगा, एंड हम लोग डेली इस चीज को अपडेट करते रहेंगे, एंड प्लीज डू शेयर विथ मी जो भी आप लोग नोट्स बना रहे हो, ठीक है, आप अपने नोट्स दिखाते रहो किस टाइप से है, ठीक है, अपना जो ग्रुप बन चुका है, और मुझे आप मैसेज करते रहो, एंड कीप अपडेटिंग मी दोज नोट्स, ठीक है, और मैं भी आप लोग के साथ जो बना रहा हूँ वो PDF फॉर्म में शेयर हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, दैट इज वाई यू हैव ज्वाइन दिस, ठीक है, एंड इट इज माई प्रॉमिस, ठीक है, समथिंग कुछ डिफरेंट मिलना चाहिए, ठीक है, और वो ये चीज डिफरेंट मिलेगी, ठीक है, तो कल से ही हम लोग अपना डेली जो प्लेटफॉर्म है उस पर आर्टिकल्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक मैं ब्रीफ ओवरव्यू तो देना स्टार्ट कर दूंगा, बट डोंट फॉरगेट टू रीड देम, डोंट फॉरगेट टू मेक दीज शॉर्ट नोट्स टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, इससे आपकी ही वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग, ठीक है, तो ये चीज आप स्पेसिफिकली आप ध्यान रखिएगा, इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड गुड वोकैब तो इस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो कोर्ट नीति की वेबसाइट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है बुक रिव्यू, ये देखो बुक रिव्यू में देखोगे तो ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है, कि अभी मेकिंग इंडिया ग्रेट, ठीक है, द प्रॉमिस ऑफ अ ग्लोबल पावर, तो ये अभी रिसेंटली अपर्णा पांडे की बुक आई है, अब इस बुक में क्या चीज समरी लिखी है, तो ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें समराइज कर दिया जाए, ठीक है, अब देखो यूएसए हेजिमनी और न्यू कोल्ड वॉर पढ़ना है तो अभी चाइना वर्सेस यूएस की ये बुक आई है, ठीक है, इसको लिखी है आपकी एटी हार्डी ने, ठीक है, तो अगर एल्फ्रेडो इनकी बुक पढ़ोगे, मतलब इस बुक का सिर्फ आप समरी पढ़ दोगे ये थोड़ा सा, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, सिर्फ ये देखो 50 60 70 आपके कुछ लाइंस के अंदर, ठीक है, बता दिया गया है, ठीक है, कि कैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि यूएस एंड चाइना के बीच में, ठीक है, वो वॉर हो रहा है, या कैसे आपका चेंज हो सकता है, ठीक है, क्यों देखो अभी न्यू कोल्ड वॉर भी है, क्योंकि दोनों जो चाइना है यूएस है वो अपने आप को क्या करता है, दोनों अपने आप को बहुत ऐसा समझते हैं कि वी आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जैसे चाइना का मानना है वी आर द मिडिल किंगडम, वी आर द सेंटर, ठीक है, वी आर द सेंटर, सिमिलरली यूएसए क्या सोचता है, अमेरिकन दे फील ऑफ देम सेल्फ एज सेल्फ परसीव प्रोविडेंशियल एंटाइटलमेंट टू बी अ बीकन ऑफ ह्यूमैनिटी, अपने आप को वो एक्सेप्शनल नेशन समझते हैं, ठीक है, चाइना अपने आप को क्या समझता है, मिडिल किंगडम, ठीक है, सो देर इज अ वॉर बिटवीन द मिडिल किंगडम एज वेल एज द एक्सेप्शनल नेशन, हु इज द एक्सेप्शनल नेशन, द एक्सेप्शनल नेशन इज द यूएस, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, तो दैट इज हाउ यू डेवलप अ गुड वोकैबुलरी, ठीक है, तो अभी आप पढ़ो कि अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट मेक्स दिस राइवलरी सो कॉम्प्लेक्स इज दैट बोथ कंट्रीज परसीव देमसेल्व्स टू बी एज द पिनेकल्स विद ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब अपने आप को बहुत ही महान समझते हैं, ठीक है, फाइंडिंग देमसेल्व्स एंटैंगल्ड इन एन इमर्जिंग कोल्ड वॉर, देखो ठीक है, द मिडिल किंगडम एंड द एक्सेप्शनल नेशन, ठीक है, दे डू नॉट हैव एन ईजी वे आउट, ठीक है, द रीजन बींग दैट बोथ नेशंस आर द प्रिजनर्स ऑफ द हिस्ट्री, अमेरिकन को भी बहुत ज्यादा हिस्ट्री में आप कह सकते हो बहुत बहुत साल तक उनको झेलना पड़ा है, सेम चीज गोज फॉर चाइना, ठीक है, ठीक है, एंड दोनों ही कंट्री अपनी नेशनलिज्म एक्सेट्रा इनके लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हो दे आर वेरी प्राउड ऑफ दिस, ठीक है, एंड इसीलिए आप ये कह सकते हो कि अमेरिकन एंड जो ये चाइना है इनके बीच में कोल्ड वॉर है, मतलब वॉर होना है, ठीक है, अमेरिकन कंसिडर बीकन ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, अपनी डेमोक्रेसी को वो लोग बहुत ज्यादा दे फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस, ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि दोनों ही इस विजन में इंडिया सॉरी यूएस एंड चाइना के बीच में, ठीक है, आप कह सकते हो एक एक वॉर यहाँ पे हमको दिखता हुआ